पुलिस की गिरफ्त में आए ये चारों वो आरोपी हैं जो अब तक आप लोगों को 4 करोड़ की चपत लगा चुके हैं। वो भी खुद आप ही के चेक से, लेकिन असली नहीं बल्कि नकली। मगर बैंक से धोखाधड़ी के इस खेल को अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसे आसान बनाया मुजफ्फरनगर स्थित बैंक के कस्टमर सर्विस ऑफिसर ने। मगर इनका ये गोरख धंधा ज्यादा वक्त तक फल फूल न सका और सहारनपुर पुलिस ने इन्हें अपने शिकंजे में ले लिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंडसइंड बैंक मुजफ्फरनगर के अकाउंट से सहारनपुर में फर्जी चेक के जरिए करीब 4 करोड़ रुपए निकालने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तार किया गया है। NHAI की जो खाता मुजफ्फरनगर इंडसइंड बैंक में थी, इस बैंक के खाते से दिसंबर महीने में कुल 5 चेक के माध्यम से तकरीबन 4 करोड़ रुपए का गबन कर लिया गया था। फर्जी चेक लगाकर पैसे निकाल लिए गए थे, जिसको अधिकारियों ने डायग्नोस जनवरी में किया और हमारे थाना सदर बाजार में 38/31/18 क्राइम नंबर दर्ज किया गया। चूंकि सरकारी धन की बात थी, बड़े अमाउंट की बात थी और बहुत ही गंभीर प्रकरण था, हमारी एक अलग क्राइम ब्रांच की टीम हमने बनाई जो इसको अनावरण करने हेतु लगाया था, और हमारी टीम को अच्छी सफलता मिली है कि इस पूरे गैंग के 4 सदस्यों को मुंबई से गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली और पूरे घटनाक्रम को और गिरोह का जो है पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया गैंग का लीडर ओम श्रीवास्तव और सुनील सैनी है, जो फर्जी चेक और कागजात तैयार कराकर गिरोह के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराता था। आरोपी मासूम अली ने बताया कि उसने सबसे पहले मुजफ्फरनगर स्थित इंडसइंड बैंक के कस्टमर सर्विस अधिकारी गौरव गर्ग से प्लानिंग के तहत दोस्ती की। गौरव गर्ग ने ही धोखाधड़ी से बैंक से सहारनपुर ADM की चेकबुक, लेटर और डाक बही के नमूनों की फोटोस्टेट करके मासूम अली को सौंप दी। इसी आधार पर ओम श्रीवास्तव ने अपने साथी सुनील के साथ मिलकर चेकबुक तैयार कराई। इसके बाद अलग अलग डेट को सलमान, आसिफ और इस्लामुद्दीन को साथ ले जाकर बैंकों में चेक जमा करा दिए और सभी चेक पास करा लिए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पास से 7 लाख रुपए और एक इनोवा गाड़ी, कुछ जेवरात आदि बरामद किया गया है। वहीं इस पूरे बैंक घोटाले कांड में बैंक के कर्मचारी की मिलीभगत ने बैंक अधिकारियों को भी सकते में डाल दिया है, जो अब अपना और भी डाटा खंगालने में जुटे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला TV, सहारनपुर।